यहाँ का सीन ऐसा है ना, यहाँ पे पांडव रहा करते थे। भाई को देखो कितना तगड़ा कोहरा लगा है, भयंकर वाला लगा है। तो जो हम सोच रहे हैं ना, मतलब वहाँ ऊपर जाके हम एकदम बादलों के ऊपर, तो ऐसे होना चाहिए, तो बहुत मजा आ जाएगा। बाकी चलते मतलब गाइस फोटो मिला के यही है कि यहाँ पे पांच पांडव रहा करते थे। तो कैसा लगा? अरे मजा, बहुत ही मजा। साहिल भाई कैसा लगा? जाओगे कैसे ये सोचो, भयंकर हो रहा है सीन देख रहे हो भाई। भाग नहीं दिखना चाहिए यार, डर भी लग रही भाई बहुत, क्योंकि इतने घने जंगल में देखो। सो हे गाइस, वेलकम बैक टू द न्यू व्लॉग। आई होप आप सब होंगे। मैं सागर स्वागत करता हूं आप सभी का मेरे इस एक और व्लॉग। एंड यार आज के व्लॉग की शुरुआत हो रही है हमारे मस्त घर और इन खूबसूरत पहाड़ों से। देख सुबह सुबह का मौसम गाइस, आज बहुत अच्छा मौसम हो रहा है बिकॉज चार पाँच दिन से बारिश ही बारिश लग रही। देखो खेत में पानी भी कैसा भर गया, देखो ये। और ये रहे हमारे धान, प्यारे प्यारे से। बाकी वो रहा अपना घर। एंड ये रहा आज हमारे ब्लॉग में दिखेगा हमारा भाई, यहाँ वो देख ले भाई साहिल, वो जा रही है कुमकुम काम करके, पानी भर के जा रही है मतलब। बाकी आज का प्लान ये है, आज मैं साहिल और दो भैया है बड़े, उनके साथ हम लोग जा रहे हैं पांडा खोली। तो उन्होंने बोला कि यार भाई लोग चलो घूम के आते हैं, तो हमने बोला ठीक है भाई चलो चलते हैं। और साहिल भी रेडी है, सच्चू नहीं आ रहा आज, सच्चू का थोड़ा बैंक वैंक में काम आना है, तो चक्कर में नहीं आ रहा। पैसों वाला है ना भाई, तो बैंकों में चक्कर लगते रहते हैं उन लोगों को। देखो आज का मौसम भाई बहुत प्यारा लग रहा है, व्लॉग करने में बहुत मज़ा आ रहा है। एंड पांडा खोली यहाँ से है 40-50 किलोमीटर होगा, तो चलते हैं बहुत मज़ा आएगा। और आज का व्लॉग हमारा थोड़ा मोटो व्लॉग रहने वाला है, वो भी आज बाइक कुछ स्पेशल है गाइस, एक भाई भी है तो वो लेके आ रखे हैं बाइक अपनी, तो बहुत मज़ा आने वाला है। तो यार फाइनली हम लोग निकल चुके हैं, और ये है हमारा राज भैया, अभी इनकी सफर नहीं दिख रही, अभी दिखेगी आगे। बाकी ये बहुत बड़े गौसानी के राइडर हैं, बहुत तगड़े वाले, एंड बहुत मज़ा आने वाला है। बहुत अच्छी लोकेशन में जा रहे हैं हम लोग, मतलब एक हिसाब से ना स्वर्ग है भाई वो, मतलब नाम ही उसका स्वर्ग पूरी पांडा खोली है, बहुत मज़ा आएगा। बाकी चलते गाइस एंड मिलते तब तक आगे। तो यार अभी हम लोग पहुंच चुके हैं लोथ से थोड़ा आगे। ये रहे हमारे राज भैया, कैसे हो? बढ़िया। अखम मजे में। देखो इनकी है भाई ये एमटी, इनकी नहीं है, इन्हीं की है। अरे झूठ भाई झूठ रहता, मैं कब का स्टोरी लगाया था अभी तक, स्टोरी नहीं लगाई है इतने बार, कहाँ कहाँ शेयर कर लेता भाई ये। अभी देखो नंबर प्लेट भी नहीं आ रही, बताने नहीं चाहते नहीं आप मेरे कर रहे। देखो ब्लैक, अरे सब झूठ है यार। देखो सुंदर है ना भाई बहुत। आगे अब मैं चलाऊंगा इसको। ओके गाइस अब मैंने पकड़ ली, हाँ पहली बार चला रहा हूँ मैं इसको। तो बस फाइनली हम लोग अब निकल चुके हैं, और अभी मैं चला रहा हूँ इसको, और मैं पहली बार चला रहा हूँ भाई, डर भी लग रहा है थोड़ा थोड़ा भाई, मज़ा तो आ रहा है यार इसको। तो भाई देखो ये करना है मोटो ब्लॉग, मैंने भी तो तभी कह रहा हूँ सपोर्ट करो, लेके आते हैं हम भी बाइक मस्त बड़ी। अगर इसको भगा रहे हैं तो पता ही लग रहा है, पता नहीं। देखो भाई भक्त तगड़ी रही यार, ये देखो लैंडस्लाइड हो रही है भाई, पहाड़ों में आने भी दिक्कत ही है। तो भाई देखो हम लड़कों में प्लान ऐसे बनते हैं भाई, मतलब ये नहीं रहता कि इतने दिनों से प्लान कर रहे हैं कि जाना है। हमारी कल हुई थी बात सुबह, फिर मैंने सुबह अचानक कॉल किया, हम लोग चलते हैं, इन्होंने बोला कि चलो, उन्होंने बोला ठीक है चलो फिर आओ। तो ना भाई लड़कों में ये रहता है, अभी पता नहीं कहाँ है कल कहाँ है, ऐसा कुछ भी पता नहीं है। तो भाई सभी हम लोग पहुँच चुके बिंदा भाई, यहाँ से हम आराम आराम से जा रहे हैं ठीक है, मतलब इतना भगाने गाने वाला सीन नहीं चल रहा। और देखो भाई बिंदा कितना प्यारा है, भयंकर नदी कितनी मस्त आ गई है, ये देख रहे हो। ऐसी पानी हमेशा रहना चाहिए ना यहाँ के नदियों में, थोड़ा बेकार आया था तो अच्छा नहीं लगता। बाकी रहा गया इस पिंका का पुल। फ्रेंड्स वैसे ना मुझे भाई मोटो ब्लॉग का बहुत ज़्यादा शौक है, मतलब बोलते ना कि भाई मोटो ब्लॉग मोटो ब्लॉग मोटो ब्लॉग, तो मुझे बहुत ज़्यादा है। तो तभी मैं सोच रहा हूँ कि यार मतलब अगर आप लोग सपोर्ट करो हम एक ऐसी बाइक खरीद सकते हैं। भाई हमको जाना है इस वाली रूट पर, अभी पांडा खोली ट्रैक करना है भाई बहुत तगड़ा पर, चलते हैं मिलते तब तक थोड़ा आगे। तो भाई देखो हम पहुंच चुके हैं मस्त से छोटा सा वाटरफॉल, जहाँ पे मतलब पानी पीने का भी आता है, ये देख रहे हो खूबसूरत।
ये रहे मैं मामा जी, हेलो बोल दो। हेलो। कि आज बहुत टाइम बाद मिल रहे हमसे। काफी लॉन्ग टाइम बाद। भाई की झरना देखो गाइस। साहिल कैसा लग रहा है भाई? अरे बोल जय बाबा की कदे। तो भाई ये देखो कितना प्यारा लग रहा है। भाई ये देखो यहाँ पे मुंह धो रहे हैं साहिल भाई। अरे भाई साहिल तो फेस वन लेके भी घूम रहा है। अरे फेस वन लेके भी घूम रहा है यार, ये बताओ। A few moments late. तो गाइस फाइनली हम लोग पहुंच चुके हैं पांडा खोली। बट हमको जाना क्या है पता है, यहाँ से पूरा घूम के जाना है। वो सामने पहाड़ देख रहे हैं ना, इस साइड जाना देखो, इस साइड इधर को। तो ये बहुत दूर का ट्रैक होने वाला है। बाकी हमारी दोस्त मिल गई एक। क्या हाल है बेटी तेरी, ठीक है तू? गाइस देखो कैसे चल रहे हम पहाड़ी फिर। ऐसे ट्रैक चल रहा है हमारा भाई, देख लो बहुत दूर जाना है अभी। लेट्स गो गाइस, हार नहीं मानेंगे। मेरा दिल कहीं दूर पहाड़ों में खो गया। मेरा दिल कहीं दूर पहाड़ों में खो गया। उससे मिले हुए मुझको यहाँ से जाते हैं। चलो यार वीडियो को बना दे बारे। बनी प्यार देखो हम लोग लगभग पहुंच चुके हैं, बस यहाँ से 100 मीटर दूर होगा। और भाई आगे को देखो कितना तगड़ा कोहरा लगा है, भयंकर वाला लगा है। तो जो हम सोच रहे हैं ना, मतलब वहाँ ऊपर जाके हम एकदम बादलों के ऊपर, तो ऐसे होना चाहिए, तो बहुत मजा आ जाएगा। बाकी चलते फटाफट आ जाओ। गाइस जॉग भी लग रहे हैं, गाइस जॉग भी लग रहे हैं इधर पे, थोड़ा ध्यान से आना ठीक है। तो फाइनली गाइस हम लोग पहुंच चुके हैं स्वर्गपुरी पांडा खोली। यहाँ का सीन ऐसा है ना, यहाँ पे पांडव रहा करते थे, तो यहाँ पे बहुत टाइम बिताया उन्होंने। स्वर्ग लोग है, स्वर्ग इसे बोलते हैं, स्वर्ग स्वर्गपुरी समझ रहे हो। तो स्वर्गपुरी पांडा खोली देखो कितना प्यारा है, पीछे देखो गाइस। देखो यहाँ के तो पहुंचे, बट पूरा कोहरा ही कोहरा लगा है, जैसे हम सोच रहे थे, मतलब ऐसा नहीं, बट ठीक है। अगर बारिश आ गई ना तेज, तो हमारे पास ऐसा कुछ है भी नहीं जिससे हम बारिश से बच सके, और यहाँ पे रुक भी नहीं सकते, घर को भी जाना है। चारों तरफ कोहरा ही कोहरा गाई, तो फटाफट दर्शन करके आते हैं एंड फिर निकलते हैं सीधे घर को। चलते आगे दिखाता हूँ आप लोगों को यहाँ का मंदिर। गाइस ये रहा मंदिर का मेन गेट। देखो इतने टॉप में आने के बाद भाई है ना स्वर्ग, देख लो भाई कितना प्यारा है। तो गाइस ये रहा मंदिर, जय हो। गाइस यहाँ पे BMW की बाइक भी है, ये देखो। ये देखो भाई इतना ट्रैक करके आया हूँ, फिर भी आप सोचो यहाँ बाइक कैसे आई हुई है। और ये जब से बनाया ना भाई तब से यही है। ये गाइस बहुत प्यारा है यहाँ पे, अभी तक कोहरा हो रहा था, अभी पूरा साफ हो गया। हाँ काबिर कैसा आया होगा ये स्वर्ग का द्वार है गाइस, पूरे यहाँ पे ध्यान से चलना पड़ेगा वरना मोह हो जाएगा गाइस इधर। ये ना मस्त, अब यहाँ से देखो गाइस व्यू। ये है ना गाइस कितना प्यारा लग रहा है यार। गाइस देखो आपको 5 पांडव दिखाता हूँ ठीक है। यहाँ पे ना मेन यही है, मतलब पांडव रहा करते थे। गाइस देखो ये रहे 5 पांडव। तो देखो 5 पांडवों को यहाँ पे स्थापित कर दिया गया है। मतलब गाइस फोटो मिला के पांडव खोली का मतलब यही है, मेन यही है कि यहाँ पे 5 पांडव रहा करते थे। बहुत टाइम उन्होंने यहाँ पे बिताया था 5 पांडवों ने, तब इस जगह का नाम स्वर्गपुरी पांडा खोली पड़ चुका है। और भी यहाँ की कहानियाँ हैं बहुत सी। गाइस दर्शन तो कर लिए, बट यहाँ पे ना भाई बारिश लगने लग गई, तो हम नहीं चाहते कि यहाँ पे हम फंस जाएँ। तो चलते गाइस फटाफट अब नीचे। तो अब चलते हैं यहाँ के एक भैया है, उनके हाथ की चाय पीने। मतलब यहाँ पे आओगे ना तो जड़ी बूटी वाली चाय पिलाते हैं वो तो मेरे पिछले बार भी पी थी। तो कोई भी आएगा ना तो उसे पिलाएंगे भैया। गाइस ये रही जड़ी बूटी की चाय। तो गाइस फाइनली हम लोग जा रहे हैं अब घर को, कैसा लगा? अरे मजा, बहुत ही मजा। साहिल भाई, साहिल भाई कैसा लगा? बस हम यहाँ पे रुके नहीं जाता टाइम, क्योंकि हमको घर भी जाना है, क्योंकि यहाँ पे ना जो जंगल के रास्ते मारे गए थे वहाँ पे भाग भाग आते, तो उस चक्कर में हमने ज़्यादा रिस्क नहीं लिया। ये तुम्हारा? तो हमने बोला कि यार फटाफट चलते हैं,
बस अगर भाग भाग दिख गए ना गाइस तो दिक्कत आएगी बहुत ज्यादा, क्योंकि पूरे भयंकर ये देखो रणनी का शायद घसी भी हो रखा है यहाँ पे गाइस रणनी का शायद घसी भी हो रखा है। और गाइस ये देखो रास्ता कुछ ऐसा हो चुका है हमारे लिए तो करना नहीं है गाइस, रास्ता ही नहीं दिख रहा भाई अब तो सामने देख रहे हो ये बहुत खतरनाक वाला सीन हो गया है। डरना नहीं है भागना नहीं है, बाकी हेलमेट है ये अपने पास पहना दूंगा बाद में। आगे नहीं दिखना चाहिए यार, डर भी लग रही भाई बहुत क्योंकि इतने घने जंगल में देखो सर गाइस। तो फाइनली यार हम लोग पहुंच चुके हैं नीचे, और पता है नीचे आके एक सीन क्या रखा हमारे साथ वो अभी तक मैंने आप लोगों को बताया नहीं था कि जो ये भैया ना राज भैया इन्होंने जो हमारे साथ स्कूटी वाले थे उनकी चाबी यहीं रख दी, मतलब स्कूटी के डिग्गी पे लगा के चल दिए थे। ठीक है स्कूटी मिल जाए शायद वही है वही है भाई वही है, ये देखो आप चाबी है ही नहीं फिर दुकान वालों पीछे से दौड़ रहे हैं। अरे यार देखो ये सीन लग रहा है चाबी तो नहीं ये है साहिल जैसे लग रहा है प्रैंक कर रहे हो ना, मजाक बना रहे हो खाओ कसम कसम से साहिल पूछ लो साहिल नहीं मिलने को तो एक मिनट याद है याद है तो अरे जय बाबा की है मेहरबानी मजाक मत कर यार नहीं है गाइस अभी देख लो भाई सीन हो गया हमारे साथ तगड़ा वाला देखो भाई ये राज भैया था देखो राज भैया। तो गाइस फाइनली हम लोग निकल चुके हैं अब सीधे सोमेश्वर के लिए, फटाफट चलते हैं ठंड भी लग रही है फटाफट चलते हैं सोमेश्वर वहां जाके करते हैं जॉब कंटिन्यू, तब तक आप लोग देखो म्यूजिक के साथ सिनेमा। फाइनली मैं पहुंच चुका था घर पे एंड घर के भाई बहुत थक चुके हैं क्योंकि आज बहुत ज़्यादा ट्रैक कर रहा है समझ रहे हो, तो मैं बहुत थक चुका हूँ। एंड आज के ब्लॉग में यही था यार कि हम लोग गए थे पांडाकुली, भाई करते हैं ब्लॉग को यही पे खत्म। उम्मीद करता हूँ लोगों को ये ब्लॉग पसंद आया होगा, अगर पसंद आया तो लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करना गाइस। जय उत्तराखंड।